ये बात तो आप और हम सभी जानते हैं कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मुकाबला सेंचुरियन के मैदान पर खेला जा रहा है, जहां पहले मुकाबले में भारत ने साउथ अफ्रीका के गढ़ यानी कि सेंचुरियन के मैदान पर जिस तरह से बल्लेबाजी करी है उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। खास तौर पर केएल राहुल और मयंक अग्रवाल की ओपनिंग पार्टनरशिप ने तो साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों के छक्के उड़ा दिए। जी हाँ, बेबस हो गए हैं इन दोनों खिलाड़ियों के आगे। लेकिन उस दौरान साउथ अफ्रीका की तरफ से एक ऐसी बेईमानी की गई, एक ऐसा डिसीजन लिया गया जिसे देखकर या सुनकर हर कोई हैरान रह गया। इनफैक्ट मयंक अग्रवाल भी हैरान रह गए कि उन्हें आउट आखिर किस आधार पर दिया जा रहा है और जिसको लेकर अब काफी ज्यादा हंगामा हो रहा है। मयंक अग्रवाल को आउट दिए जाने को लेकर और साउथ अफ्रीका के उस डिसीजन पर बेईमानी के आरोप क्यों लग रही है? क्या साउथ अफ्रीका भारत से डर गया जिसकी वजह से कुछ ऐसे डिसीजन लिए जा रहे हैं जो कि सवालों के घेरे में है? चूंकि ये बात तो आप और हम सभी जानते हैं कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया का गाबा का मैदान इंग्लैंड का लॉर्ड्स का मैदान, उसी तरीके से साउथ अफ्रीका ये सेंचुरियन मैदान गढ़ कहा जाता है साउथ अफ्रीका का। यहाँ साउथ अफ्रीका को हराने का मात्र विपक्षी टीमों का सपना सपना ही रह जाता है। लेकिन जिस तरह से भारत ने पहले ही दिन की बल्लेबाजी करी वो वाकई में साउथ अफ्रीका की चिंता बढ़ा रहा है और साउथ अफ्रीका कुछ भी करने कर हार नहीं मानने को तैयार है और इसको लेकर मयंक अग्रवाल के उस डिसीजन पर अब काफी ज्यादा हंगामा हो रहा है। आइए जानते हैं आखिर क्यों बेईमानी के आरोप लग रहे हैं और उसको लेकर अब इतनी ज्यादा गर्मा गर्मी का माहौल क्यों बना हुआ है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया की बहुत ही बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचती रहे। टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन टेस्ट के पहले दिन 60 रनों की शानदार पारी खेली। उनकी ये पारी और भी लंबी हो सकती थी अगर वह जिस तरह से आउट दिए वह नहीं हुआ होता। तो आखिर उस डिसीजन को लेकर बवाल क्यों पैदा हो रहा है, ये जानने से पहले आइए जानते हैं इस मुकाबले के दरमियान आखिर हुआ ही क्या है। मैच की बात करें तो भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और मयंक अग्रवाल और केएल राहुल ने रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में जिस तरह से बल्लेबाजी करी वाकई में काबिले तारीफ है। पहला विकेट पाने के लिए साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है। हाँ, दूसरी विकेट उनको लगातार मिल गई, चेतेश्वर पुजारा गोल्डन डक का शिकार हुए, शर्मनाक रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज हो गए। लेकिन जिस तरह से पहले विकेट के लिए ओपनिंग पार्टनरशिप की गई वो वाकई में कमाल की थी। मैच के पहले दिन का खेल खत्म होने तक के लिए 3 विकेट पर 272 रन भारत की तरफ से बना लिए गए हैं और केएल राहुल ने नाबाद 122 रन की पारी खेली है, जबकि उनका साथ अजिंक्य रहाणे 40 रन बनाकर निभा रहे थे। विराट कोहली भी 35 रन बनाकर आउट हो गए और चेतेश्वर पुजारा गोल्डन डक का शिकार हुए हैं। तो ये इस तरह से कुछ भारत की बल्लेबाजी रही। लेकिन इस बल्लेबाजी के दरमियान वो एक ऐसा फैसला लिया गया जो हर किसी को हैरान कर गया। मयंक अग्रवाल के आउट होने के फैसले को लेकर फैंस काफी गुस्सा हैं। मयंक 123 गेंद पर 60 रन बनाकर लुंगी एंगिड़ी की गेंद पर LBW आउट हो गए। ऑन फील्ड एम्पायर ने तो उन्हें नॉट आउट करार दिया लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने रिव्यू ले लिया। रिप्ले में देखा गया कि गेंद लेग स्टंप पर लगकर निकलती है और इस तरह से मयंक अग्रवाल को आउट दे दिया गया। ट्विटर पर इसको लेकर काफी हंगामा समझ गया है। मयंक खुद इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आए। इस तरह से भारत ने 117 रनों पर अपना पहला विकेट गंवाया। राहुल और मयंक ने मिलकर टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दी। फैंस का मानना है कि DRS पर एम्पायर कॉल का फैसला आना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दक्षिण अफ्रीका को आखिरकार पहला मैच और पहला विकेट नसीब हो गया है। जी हाँ, हम आपको कुछ फोटोज दिखाने जा रहे हैं जो कि आपको बताएंगे और आप नीचे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि क्या ये एम्पायर कॉल थी या फिर ये आउट का डिसीजन था। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि अगर एम्पायर्स कॉल थी तो एम्पायर्स ने तो नॉट आउट दिया। क्या साउथ अफ्रीका की तरफ से बेईमानी की गई और क्या इसको लेकर हंगामा होना सही है, जायज है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।